नमस्कार, मेरा नाम है साहिल कुमार। आपने बीते दिनों एक इंटरनेट पे दो लाइनें सुनी होगी शायद, नहीं तो मैं बताता हूँ। वही कि मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाँ, मैं वही लड़का हूँ। मैं भी वही कहता था कि मॉम डैड बिहार से थे, मैं दिल्ली से हूँ। पर ना मैंने अब ये बातें कहना बंद कर दी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इंसान को बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है वो उसकी मातृभूमि होती है। और खास बात कि इस बात का जब मुझे एहसास हुआ तो मैं लोगों को बताने लग गया गर्व से कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी। तो लोग मुझसे बस एक ही बात कहते कि आखिर ऐसा क्या है कि बिहार के लोगों का मिजाज इतना खूबसूरत, इतना स्वाद भरा होता है। तो जब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला तो मुझे गाँव की याद आ गई, और गाँव को याद करके मेरी आंखें नम हो गई। तो अक्सर मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं भर जाता हूँ तो कागज पे खुद को खाली कर देता हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और ये चालू होती है कि जब भी आंखें भरती हैं तो चुप होने की बात गंगा मैया कहती है, माँ गंगा की लहरें हमको भैया कहती है, घर लौटने की बात पुरवैया कहती है, गांधी मैदान खाली बदलाव की बातें करता है, बिरंची भी सिर्फ गाँव की बातें करता है, दादा उम्मीद में है कि पोता संग में धान गोए, मंजरी माई पूछती है कि कब तक काम में खोएगा, तो हम उनको जवाब में कहते हैं कि हम शहर में रह के गांव का याद नहीं भूले, हम बिहार का सांस्कृतिक स्वाद नहीं भूले, और भूलेंगे भी कैसे, कहे कि कुदरत हमको एक कलाकार बनाया, आज हम जो भी है ना वो हमको बिहार बनाया, कहे कि हम राजगीर के पहाड़ जैसा खड़ा होना सीखे, बुद्ध महावीर के जैसा बड़ा होना सीखे, मांझी से इच्छा शक्ति का उदाहरण मिला है, पावापुरी से भक्ति का हरकन मिला है, चंपारण से बापू जैसा देह मिला है, मिथिला की धरती से माँ जानकी का स्नेह मिला है, कोसी से डूब कर उभरने का साहस मिला है, खुदीराम से देश के लिए मरने का साहस मिला है, अशोक से धम्म की शिक्षा लिए है, नालंदा में श्लोकों की भिक्षा दी है, सासाराम से प्रशासन और व्यवस्था की कहानी सुनी, योद्धा के गुणों के लिए पटना साहिब में गुरुवाणी सुनी, कि आज भी प्रणाम करते वक्त हमारी नजरें सदैव नीचे है, काहे कि हमारे लहजे में अनरसा और भाषा में नीचे है, हम आज भी सफर में चिनिया बादाम लेते हैं, हम विदेशों में भी अपनी धरती का नाम लेते हैं, और सिंघाड़ा लिट्टी चोखा और गुपचुप की तरह हम थोड़े चटपटे हैं, काहे कि हम संस्कृति की मिट्टी में प्यार के पानी से पटे हैं, और हमारे अक्खड़पन में हाथ बिहार के स्वर्णिम इतिहास के खाद का है, लोग हमसे पूछते हैं हमारे मिजाज का कारण, हम कहते हैं इसके पीछे हाथ बिहार के स्वाद का है, और इसी स्वाद को बरकरार रखने के लिए ITC सनराइज मसाले की आया है एक नई पहल #स्वाद बिहार का, जिसमें हम जश्न मना रहे हैं बिहार की अनूठी संस्कृति का। और मुझे इस बात का कि बहुत खुशी है कि मैं इस पहल में योगदान दे पा रहा हूँ, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़िए इस पहल के साथ जिसका नाम है #स्वाद बिहार का, जिसकी पहल की है ITC सनराइज मसाले ने। धन्यवाद।